इतनी देर कहाँ लगा दी? पापा वो एनजीओ गई थी, रास्ते में ट्रैफिक बहुत था ना, इसलिए लेट हो गया। बस बहुत होगी तेरी ये समाज सेवा, अब कल से तू ऑफिस चलेगी मेरे साथ, जितनी जल्दी काम सीखेगी उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। पापा मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके बिजनेस में, मुझे एनजीओ का काम करके खुशी मिलती है। बस तेरी बकवास और नहीं सुन पाऊंगा, पता नहीं कैसी गंदगी में रहते हैं वो लोग, पता नहीं क्या खाते हैं। तू उनके साथ रहेगी और काम करेगी, चुपचाप कल से तू मेरे साथ ऑफिस चलेगी। पापा मेरी बात तो सुनो, मैं क्या बोल रही हूँ? बस बोल दिया ना मैंने एक बार, कल से ऑफिस चलेगी मेरे साथ, चलो अंदर। कहाँ जा रही हो तुम? फिर से अपने उस सड़े से एनजीओ में काम करने ना? पापा आप मुझे फोर्स क्यों कर रहे हो? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके उस ऑफिस में और आपके बिजनेस में। पापा अगर आप मुझे नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? मैंने तुझे कल बोला था ना कि तू मेरे साथ ऑफिस चलेगी, तेरे को समझ में नहीं आती? ये एनजीओ छोड़ और मेरे साथ चल चुपचाप ऑफिस, और दोबारा इस बारे में मैंने कोई बहस नहीं सुननी, चल चुपचाप ऑफिस। हाँ बोलो बेटा। पापा मैं आपके लिए बिरयानी लेकर आई हूँ, ट्राई करो, बहुत टेस्टी बनी है। पागल हो गई क्या? तुझे पता ना कि मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। पापा ट्राई तो करो, देखो आज मेरा बर्थडे है, आज आप मना कर ही नहीं सकते, आज तो खाना ही पड़ेगा। खा, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? बोला ना कि नहीं खाना मुझे। पापा ट्राई करो, बहुत टेस्टी, खा के तो देखो। तुझे बोला ना कि नहीं खाना, भरी हो गई क्या? नहीं सुनाई नहीं देता, ये ना का मतलब नहीं पता। पापा ना का मतलब? ना का मतलब तो आपको नहीं पता है, मैं तो कब से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ पर आप ही नहीं समझ रहे मेरी बात। रोज यहाँ ऑफिस में ले आते हैं, जबरदस्ती काम करवाते हो। पापा आप भी तो वही करवाते हो ना जो मुझे नहीं पसंद है। पापा माना माना कि पैसे कम होंगे, फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा, पापा मैं खुश होंगी, मुझे दूसरों की मदद करने में अच्छा लगता है। जब छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं ना थैंक यू दीदी, मुझे सुकून मिलता है। पापा आपने इतना बड़ा बिजनेस बनाया एंड आई रिस्पेक्ट दैट, पर पापा मुझे जॉब नहीं करनी है, मैं खुश नहीं रह पाऊंगी उसमें। पापा मुझे माफ कर देना बेटा, मैं जबरदस्ती ये काम तुम पर थोप रहा था, पर मैं तो तेरी हेल्प ही करना चाह रहा था, पर उसमें मैं इतना खो गया कि मैं सबसे जरूरी बात तो भूल ही गया कि तू इसमें खुश है या नहीं। नहीं पापा आप सॉरी मत बोलिए, मैं जानती हूँ आप मुझसे प्यार करते हैं, आपने जो सोचा होगा मेरे अच्छे के लिए ही सोचा होगा, पर मेरी खुशी किसी और चीज में है पापा। ठीक है बेटा, तू वही काम कर जिसमें तू खुश है, अब से मैं तुझे कोई भी काम करने से नहीं रोकूंगा। थैंक यू पापा। अच्छा अब तुम जाओ एनजीओ अपने, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, वो छोटे छोटे बच्चे तो तुम्हारी राह देख रहे होंगे। हाँ शाम को डिनर पे मिलते हैं। बाय पापा। बोलो हैप्पी डे।